गाइस, मेरा नाम है रुकुम, आप देख रहे हैं रुकुम बोलते चैनल। आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज का जो व्लॉग होने वाला है महाबलेश्वर के ऊपर होने वाला है। महाबलेश्वर की हर चीज बताएंगे, कितने बजट में, कितने में क्या खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी बस हम लोग बस से अभी उतरे हैं महाबलेश्वर, क्योंकि वहाँ ब्लॉग नहीं बन पाया, ब्लॉग इधर बना रहा हूँ मैं। वो महाबलेश्वर का एक बस का टिकट हम लोग को कितना अराउंड कितना पड़ा? कुछ 750 750 के, मतलब आप पहुंच जाओगे महाबलेश्वर के गेट, दे देंगे जो भी रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये हमारे साथ मंजूर भाई है। हाय गाइस। चलो गाइस, अभी आपको वीडियो में आगे बताएंगे क्या क्या है और किस तरह हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और कैसे आपको आना है, सब आपको बताएंगे। एक रूम में 4 जन सो सकते हैं, उसका कुछ 1200 रुपए कुछ लगा है, मतलब लो बजट का एकदम है होटल भी, और खाना भी लो बजट का है। आप आइए आराम से एंजॉय वगैरह करके हो जाएगा। आपको आगे आगे सब बताएंगे क्या क्या रहता है, किस किस तरह रहता है। हमारी टैक्सी है जो हमने 1000 रुपए में 2 पॉइंट घुमाने का बोला इन्होंने, फिर आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ घुमाएगी। हाय गाइस, हम लोग कार में तो बैठ चुके हैं और कार से हमारा 1000 रुपए में डील हुई है कि 1000 रुपए में हम लोग को 2 पॉइंट घुमाएगा। आज क्योंकि फ्राइडे है, हमको थोड़ा नमाज भी पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग छोटा छोटा पॉइंट लिए है कि 40-40 किलोमीटर का, और कल हम लोग कोई 70-80 किलोमीटर वाला पॉइंट पे जाएंगे और उधर पूरा वीडियो शूट करेंगे, बताएंगे आपको कैसा क्या रहता है, कितना खर्चा होता है। मिनिमम मेरे को नहीं लगता है कि इधर ज़्यादा खर्चा होता है। 5000 के अंदर एक आदमी 3 दिन 2 दिन घूम सकता है आराम से घूम सकता है, क्योंकि खाना पीना भी इतना महंगा नहीं है। रूम भी एकदम 4 जन के लिए 1300 रुपये में रूम, एक नंबर रूम है, 2 बेड है, कंबल है। आपको रूम का भी सब बताएंगे हम लोग रात के टाइम। अभी हम लोग घूमने निकल रहे, तो पहले व्यू दिखा देंगे फिर आपको रूम दिखाएंगे। हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है गाइस, आगे का व्यू देखते रहिए, अभी आगे आपको अपडेट देते रहेंगे हम लोग, आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सीन आने वाला है, वो पूरा अपडेट आपको मिलता रहेगा। वहीं पर रखते हैं आपको। ये पूरा मार्केट है, ये पूरा मार्केट यहाँ से चालू होता है। हाँ, ये 5 मिनट चल के जाएंगे खत्म हो जाएगा। फिर अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं अंकल घूमने? अभी केस पॉइंट जा रहे हैं। केस पॉइंट कितना किलोमीटर है यहाँ से? 8 किलोमीटर है। वहाँ क्या रहेगा, मतलब कौन सा क्या पॉइंट पे क्या रहेगा? पहाड़ दिखेगा, पूरा पहाड़ दिखेगा। पॉइंट बोले तो सब पहाड़ दिखने का आपको। हाँ, अलग अलग व्यू, कहाँ से वाटरफॉल, कहाँ से पहाड़, अच्छा कहाँ से इको पॉइंट। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. So guys, अभी हम लोग कार से उतर चुके हैं, मतलब टैक्सी से, मतलब मंजूर भाई। और इधर पूरा कार का पूरा पार्किंग है, और एक लोग माजिद भाई देखिए बिजी है। सो पब्लिक, फाइनली हम लोग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह क्या व्यू आ रहा है, क्या व्यू आया ना आपको, मैं अपने जैसे आंख से देख पा रहा हूं ना, तो ये वीडियो नहीं बयां कर पाएगा। गाइस देखिए, ये एलिफेंट पॉइंट है, एलिफेंट का ये हेड है, हेड है, एलिफेंट जैसे दिख रहा है ना, देख साइड है ना। और यहाँ से झरना जा रहा है,
ब्रेक ग्रुप को चल के ग्रुप जा अभी अभी तो गया एक एक रिमोट कहाँ है हमें जैसा आँख से फील हो रहा है वो तो एक कैमरा नहीं बता सकता आपको कैसा फील हो रहा है हमको गाइस खुद आईना कभी विजिट करना तब देखना यहाँ कि कितना प्यारा व्यू बना हुआ है महाबलेश्वर सबसे हम लोग माथेरान भी गए बहुत जगह गए पर महाबलेश्वर वैसा व्यू कहीं नहीं मिला हमको क्योंकि इधर इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है हम लोग कम से कम 1.5-2 घंटा घाट पर बस चढ़ी हम लोग पूरा फॉगी हुआ है अभी कुछ टाइम पहले पूरा फॉग हट चुका था अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही फॉग पूरा आ चुका है जैसा हल्का हल्का बारिश आती जा रही फॉग बढ़ते जा रहा है पर 5,000 के बजट में घूमने लायक जगह है बहुत मस्त जगह है और आप आगे देख सकते हैं जो बादल का जो व्यू है वो काफी ज्यादा अच्छा है देख के आपको मजा आ जाएगा वो बादल कैसा जमीन पे जमीन से पहाड़ से वो टच हो रहा है बादल पूरा केस पॉइंट के जस्ट बाजू में कैच पॉइंट है कैच पॉइंट यहाँ से देखिए अलग व्यू दिखता है यहाँ से कुछ नदी वदी दिखती है कुछ दरिया है अरे यार क्या खूबसूरत है माशाल्लाह पब्लिक अभी हम लोग केसव पॉइंट और एलिफेंट पॉइंट घूम चुके हैं बारिश आ रही है तो इसकी वजह से कुछ देर रुके हुए थे अभी हम जा रहे टैक्सी में बैठेंगे फिर वहाँ से नमाज पढ़ने जाएंगे शायद फिर उसके बाद और 2-4 पॉइंट है फिर घूमेंगे फिर आपको फिर नेक्स्ट डे आप उनको दूसरा दिन घूमेंगे बारिश का वेट करें बारिश कम हो जाए हाँ। तो बारिश कम होने के बाद बाकी का कवर करेंगे अभी फिलहाल बारिश थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो अभी जाते हैं हमारे कार में फिर नमाज के लिए जाएंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम अभी इसके बाद हम लोग 2-4 पॉइंट घूमेंगे फिर खाना वाना खाएंगे दिखाएंगे कितने बजट में क्या हो रहा है कितने में क्या हो रहा है बस का तो टिकट 700 रुपया था हम लोग का और अभी का इधर का खर्चा तो समझो रूम का एक आदमी 4 जन रह रहे हैं कमरे में तो एक जन का 300-400 रुपये आएगा और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा तो अभी आपको आगे का बताएंगे गाइस हम लोग स्ट्रॉबेरी गार्डन पहुंच चुके हैं अभी आगे देखते रहिए आगे का व्यू अंदर चले जाओ ये सब है ना अभी मॉनसून में एक्चुअली प्लांटेशन होता नहीं है ये सब है ना हाइड्रोपोनिक सिस्टम में देखिए अभी आने वाले दिनों में इसी तरह से होगा प्लांटेशन कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन हाइड्रोपोनिक इसराइल टाइप से क्या हुआ एक्चुअली पहले है ना व्हाइट फ्लावर आता है देखिए फिर ग्रीन थ्रेड होता है प्लांट का हाइट ना सिर्फ 7 से 8 इंच तक ही होता है अक्टूबर में लगाते हैं दिसंबर तक आना शुरू होता है जून एंडिंग तक देते रहते हैं एक प्लांट है ना 50-60 फ्रूट देते हैं देखिए वो सब फ्रूट है ना नेचुरली स्ट्रॉबेरी के लिए मानते हैं जो ग्लास दिख रहा है सामने ऐसा ग्लास दिख रहा है यहाँ पर फेमस स्ट्रॉबेरी आपको बहुत अच्छी लगता है विजिट करना चाहते हो आप विजिट करो देखो गाइस अभी अंकल हमको बताने जा रहे कोई और एक पॉइंट है अभी आपको दिखाते हैं पॉइंट अंकल कौन सा पॉइंट है ये वाटरफॉल लिंगमला वाटरफॉल ना अंदर ऐसा पानी का गोल राउंड देखो सर्कल ऐसे तैयार होता है ऐसा वो बाजू में वैसा ये बाजू में ऐसा नहीं लोग उधर बैठे हैं जब कितना फीट गहरा है ये है 20-25 फीट है अंकल उधर नहीं जा सकते क्या हाँ जा सकते हो चलो 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 इधर देखो सांप अपना नमस्कार स्वागत के लिए देखिए गाइस नीचे रास्ता उतर रहा है अभी हम लोग झरना देख चुके हैं
अभी जा रहे हैं हम लोग नमाज़ पढ़ने, नमाज के बाद और दो चार पॉइंट घूमेंगे, फिर कल का नेक्स्ट दिन भी है और जाके आपको होटल बताएंगे होटल में क्या क्या है, हम लोग क्या खा रहे, कितने पैसे में खा रहे, एकदम लो बजट है, इतना कोई हाई बजट नहीं है, पूरा ए टू जेड अपडेट आपको देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर ले पहले तो, और बेल आइकन वीडियो को फुल HD में देखना, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मैं नहीं मज़ा आएगा। सो गाइस अभी नमाज हो चुकी है, अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस दूसरे पॉइंट की तरफ, अभी खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खाने के बाद आपको सब बताएंगे। अभी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, चलिए आगे का देखिए। अभी गाइस हम लोग खाना खाने के लिए रुके रेस्टोरेंट पर, अभी मेन्यू देखा जा रहा है, देखिए मेन्यू देखिए, खाना एकदम है महंगा है पर बजट में सही है। गाइस अभी हम लोग पारसी पॉइंट पर आ चुके हैं खाना वाना खाकर, और अभी पारसी पॉइंट पर देखिए हम लोग को तो पता नहीं कुछ क्या क्या है सर, अभी जाएंगे देखेंगे क्या रहता है और आपको सब बताएंगे। पारसी पॉइंट अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की देखिए कितना बड़ा स्ट्रॉबेरी, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की पूरी खेती होती है, ये अकेला खा सकता है मंजूर, ये अकेला खा सकता है मंजूर। ये पॉइंट देख चुके हैं गाइस, अभी हम लोग दूसरा पॉइंट के लिए आगे जा रहे हैं। सो रेडी रहिए गाइस अभी नेक्स्ट पॉइंट के लिए, रेडी हो जाइए क्योंकि अभी तो बहुत मजा आने वाला है ब्लॉग में, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी हम लोग टेबल पॉइंट पहुंच चुके हैं और यहाँ का व्यू दिखाते हैं आप सबको, मंजर आपको बोलना चाहेंगे। गुफा के अंदर जा रहे हैं, डर लग रहा है गाइस, बहुत डर लग रहा है। ये किधर है टाइगर, यही टाइगर है हमारा, टाइगर पालतू टाइगर, इसके लिए 10 रुपए दिए अपने। हाय गाइस हम लोग का जैसे कि ट्रिप कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग आपको बोले थे कि हम लोग रूम बताएंगे कितने में रूम बुक किया था, 4 जन का इधर 1300 रुपए है एक रूम का, मतलब 2 बेड रहेगा, आपको रूम बता देता हूँ। तो मैंने बोला था कि जो रूम बुक किया हुआ है ये वो रूम है, ये गाइस डबल बेड है और उसके बाद एक और डबल बेड है, मतलब टोटल 4 लोग आ सकते हैं। और देखेंगे टीवी वगैरह भी है, अच्छा अपना मिरर वगैरह भी हो गया है, कवर फेस वगैरह का, वॉशरूम है, ये हमारा वॉशरूम वगैरह है, एयर कंडीशनर भी है, तो वो सबका टेंशन नहीं है, आप फुल इंजॉय करिए। नहाने के लिए पानी भी गर्म आता है यहाँ पर। सो गाइस जैसे कि हम लोग का ट्रिप कंप्लीट हो चुका है और हमने आपको रूम भी दिखा दिया है, अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, पूरा वीडियो देखना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय पब्लिक।